प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ये ठीक है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से आप लोग भी ठीक होंगे, खुश होंगे, आवाज़ होंगे दोस्तों। तो आप लोग को पानी की आवाज़ आ रही होगी, सुबह से पानी गिर रहा है। और आज है 15 अगस्त, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं। तो खूब जोर शोरों से हमारे शहर में भी, छोटा है फिर भी, बहुत तैयारियाँ चल रही हैं, मतलब चल रही थी 4-5 दिनों से। और रैलियाँ भी बोल रही थी, हम वीडियो में वो भी दिखाएंगे। और हम खाना पका रहे हैं, तो ये आज बना रही हूँ मैं, ये आलू टमाटर, आलू टमाटर और ये मूँगफली के दाने की सब्जी बना रही हूँ। और खीर बना चुके हैं हम। और आज के दिन किसी के पापा सुबह मार्केट जाके गर्मा गर्म जलेबी लेकर आते थे, अब बच्चे छोटे हैं तो मैंने घर में बना लिया, खीर बनाई हूँ और साथ में पूरी भी बनाएंगे। और ये आलू और ये दानों की सब्जी बनाती हूँ, तो ये आलू को तोड़ दिए, दानों को थोड़ा हम ऐसे इस तरह से तोड़ लेते हैं। ये इस तरह से थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो आ जाइए दोस्तों, किस किस को खीर खाना है। ये बन गई है खीर, आ जाइए, किस किस को खीर पसंद है। और पानी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, बहुत तेज पानी था सुबह, सानू स्कूल गया तो मतलब आते टाइम तो वो भीग कर ही आया है सानू। देखे हम दिखाते हैं, ये आ रही है। और ये है सानू, गीले तो नहीं हुए, नहीं। तो पानी गिर रहा है, सुबह बहुत तेज था। और ये देखिए दोस्तों, खाना पक गया है, आ जाइए गर्मा गर्म खीर पूरी और ये सब्जी। हाँ, ये खाना तैयार हो गया है, आ जाइए, अब बच्चे लोग खाना खाएंगे और मैं तो अभी अपना काम करूंगी। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अल्लाह हाफिज़, में मिलेंगे और वीडियो देखना आप लोग। ये 13 तारीख को हर घर झंडा अभियान के तहत ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये रैली निकली थी, तो यहाँ पे झंडे भी बहुत बांटे गए थे। और उस दिन 13 तारीख को सानू स्कूल गया हुआ था, मतलब सैटरडे को, तो खैर हमें तो नहीं मिले कोई झंडे, पर ये संडे के दिन सानू ने, हमारे घर के पास ही ये मेन रोड है तो वहाँ से ये रैली निकल रही थी किसानों की, सानू ने वहाँ से बना के लाया ये वीडियो। और ये कम से कम 3 या 4 हज़ार के करीब ये ट्रैक्टर थे, इस पे भी देखो कितने झंडे लगे हुए हैं। और ये मार्केट एरिया है, लेकिन संडे के दिन एक दो कई दुकानें खुली हुई हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है आम दिनों में। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छे से प्रशासन की मदद से आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं।